हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक्सिस बैंक के कई सारे क्रेडिट कार्ड्स होल्ड करते हैं तो एक बहुत ही बैड न्यूज़ निकल के आई है। एक्सिस बैंक के सारे ही क्रेडिट कार्ड पे ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा डीवैल्यूएशन हो गया है। काफ़ी सारे कैशबैक ऑफर्स हटा दिए गए हैं, काफ़ी सारे कैशबैक रेट्स कम कर दिए गए हैं, काफ़ी सारे और भी अदर बेनिफिट्स कार्ड से गायब कर दिए गए हैं। और ये एक ही कार्ड नहीं, एक्सिस बैंक के मोस्टली सभी कार्ड्स पे हुआ है। हमारा सबसे चहेता एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड भी इस बैड अपडेट से अछूता नहीं है। वहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं जो कि आने वाले समय में अप्लीकेबल होने वाले हैं। समय बहुत ही कम है, उसके पहले आप जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो उठा लीजिए, उसके बाद कार्ड्स ज़्यादा कुछ काम के नहीं रहने वाले हैं। मेरे पास तो एक्सिस बैंक का प्रीमियम क्रेडिट कार्ड भी, एक्सिस बैंक का सेलेक्ट कार्ड, एक्सिस माई जोन, एक्सिस नियो, एक्सिस फ्लिपकार्ट, एक्सिस रिवॉर्ड्स, सभी कार्ड्स पे काफ़ी बड़ा डिवेल्युएशन हुआ है। अगर आप एक्सिस एस कार्ड यूज़ करते हैं उस पर भी बहुत बड़ा डिवेल्युएशन हुआ है। आपको चलिए बताते हैं डिटेल में सभी कार्ड्स पे क्या क्या डिवेल्युएशन हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कब से ये एप्लीकेबल होंगे। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल पे आप मेरे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़ जाइए। हर तरह के जबरदस्त लूट ऑफर्स की अपडेट्स, शानदार अर्निंग कैंपेन्स के अपडेट्स, सभी कुछ आपको दोस्तों सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। अच्छा बेनिफिट आप वहां से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की तो बहुत ही बड़ी लंका लग गई है, गजब बेइज्जती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है जो आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि काफी बेनिफिशियल है, जैसे कि SBI का कैशबैक कार्ड, HDFC टाटा नियो क्रेडिट कार्ड, IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड्स। इन पे अभी कोई डिवेल्युएशन नहीं हुआ है, आप ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सभी कार्ड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे अगर आप एक्सिस बैंक का भी कोई कार्ड लेना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आज ही अप्लाई कर लीजिए। चलिए जानते हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ऐसा क्या बड़ा डिवेल्युएशन हुआ है जिसके कारण काफ़ी सारे बेनिफिट से आपको हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो मेरे पास कई सारे क्रेडिट कार्ड है, इन सब कार्ड्स के रिलेटेड मुझे एक्सिस बैंक की तरफ से ईमेल आया। सबसे पहला डिवेल्युएशन आपको बताते हैं एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, मुझे ईमेल आया अपडेट रिगार्डिंग योर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कार्ड के बेनिफिट बता रहे हैं जो हमें ऑलरेडी इस कार्ड पे मिलते हैं, जैसे कि 5% अनलिमिटेड कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट ऐप वेबसाइट, 4% अनलिमिटेड कैशबैक ऑन प्रेफर्ड पार्टनर्स लाइक क्लियर ट्रिप, कल्ट फिट, PVR, स्विगी एंड उबर, 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर ऑन ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन 400 and rupees 4000। साथ ही enjoy 15% off up to 500 on dining all year round via easy diner। ये सब benefits तो मिलते हैं, ये benefits तो आपको अभी भी मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे इन्होंने कटौती की है, जहाँ पे इन्होंने devaluation किया है वो नीचे है। यहाँ पे देखिए, while you continue to make the most of your Flipkart Axis Bank credit card, we would like to update you regarding a few changes to the features on your credit card effective 20th April 2024। यानी ये चेंजेस 20 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। और यहाँ बता रहे हैं, अनलिमिटेड कैशबैक ऑन ऑल एलिजिबल स्पेंड्स अदर देन ट्रांजैक्शन ऑन फ्लिपकार्ट और प्रेफर्ड पार्टनर्स विल बी रिवाइज्ड फ्रॉम 1.5% to 1%। यानी फ्लिपकार्ट और उसके प्रेफर्ड मर्चेंट पार्टनर को छोड़ के हम कहीं भी पहले स्पेंड करते थे तो हमें 1.5% का कैशबैक मिलता था। 20 अप्रैल से आपको 1.5% नहीं, केवल 1% का कैशबैक मिलेगा, यानी पूरे 0.5% का इन्होंने डेंट मार दिया है। इसी के साथ बता रहे हैं, 1 मई 2024 से एक्सेस टू डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्जेस विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एलिजिबल स्पेंड ऑफ ₹50,000 इन द प्रीवियस 3 कैलेंडर मंथ्स। यानी अब अगर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड पे लाउंज एक्सेस लेना है तो जिस मंथ भी आपको लाउंज एक्सेस करना है उसके पहले 3 मंथ्स में, यानी पहले क्वार्टर में, आपको मिनिमम ₹50,000 उस कार्ड से स्पेंड करने होंगे, तभी आपको ये फ्री एक्सेस टू एयरपोर्ट लाउंज मिलेगा। तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में ये दो बड़े चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा मेरे पास दोस्तों एक्सिस बैंक का सेलेक्ट कार्ड है जो कि प्रीमियम कार्ड है, जिसके लिए मैं ₹3,000 सालाना फी पे करता हूँ। उस पर तो बहुत ही बड़े चेंजेस आए हैं। यहाँ पे देखिए, अपडेट रिगार्डिंग योर सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। तो बेनिफिट जो मिलते हैं वो तो आप जानते ही हैं, वो सभी इन्होंने यहाँ पे बताया है, लेकिन कौन से बेनिफिट्स इन्होंने कम कर दिया है उस पर हम हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ देखिए, व्हाइल यू कंटिन्यू टू मेक मोस्ट ऑफ योर सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, we would like to update you regarding a few changes to the features on your credit card effective 20th April 2024। yani yahan pe bhi
20 अप्रैल 2024 से ये चेंजेस अप्लीकेबल हो जाएंगे। स्पेंड्स ऑन गोल्ड ज्वेलरी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिवॉर्ड पॉइंट्स। गोल्ड या ज्वेलरी आप परचेज करेंगे एक्सिस सेलेक्ट कार्ड से तो अब आपको किसी तरह के कोई एज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इस कार्ड की 3,000 रुपए की एनुअल फीस है जैसा मैंने आपको बताया। उसे वेव ऑफ करने के लिए आपको पहले एक साल में 6,00,000 रुपए स्पेंड करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको 3,000 की एनुअल फीस वेव ऑफ कराने के लिए 8,00,000 रुपए एक साल में स्पेंड करने होंगे, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। इसी के साथ देखिए, स्पेंड्स ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज, यूटिलिटीज, गोल्ड ज्वेलरी, रेंट, वॉलेट, इंश्योरेंस, फ्यूअल, एजुकेशनल सर्विसेज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर माइलस्टोन अचीवमेंट एंड एनुअल फी वेवर कैलकुलेशन। अब इन सारी कैटेगरीज पे आप इस कार्ड से स्पेंड करेंगे तो ना ही ये माइलस्टोन अचीवमेंट की कैटेगरी में काउंट होंगे, ना ही एनुअल फी वेवर के लिए जो आपका 8,00,000 रुपए का माइलस्टोन रखा गया है उसमें काउंट होंगे। इस कार्ड में बुक माई शो पे बाय वन गेट वन टिकट का ऑफर मिलता है, जहाँ पे सेकेंड टिकट पे आपको 300 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। उस ऑफर को ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। याद देखिए, बुक माई शो ऑफर एंड 24/7 कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सियर्ज सर्विस विल बी डिसकंटिन्यूड। मैं हर महीने इस कार्ड से बुक माई शो का बेनिफिट लेता था, लेकिन अब ये बुक माई शो का बेनिफिट भी बंद होने जा रहा है। साथ ही इफेक्टिव 1 मई 2024 से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पे जैसे इन्होंने फ्लिपकार्ट पे चेंज किए थे, इस कार्ड पे भी चेंजेस कर दिए हैं। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस लेना है तो पिछले 3 महीने के भीतर में आपको इस कार्ड से मिनिमम 50,000 रुपये का स्पेंड करना होना चाहिए, तभी आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। अभी तक इस कार्ड पे अगर आप स्विगी से 500 रुपये का ऑर्डर करते थे तो आपको 200 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने बहुत ही बड़ा डेंट मारा है। यहाँ पे ये बता रहे हैं अब 500 नहीं 1,000 रुपये की ऑर्डर वैल्यू होगी तब आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी पूरे 100% की ऑर्डर वैल्यू इन्होंने बढ़ा दी, जो कि बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इस कार्ड से स्विगी का मैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेता था। इस ऑफर का आप पहले भी 2 बार फ़ायदा उठा सकते थे एक मंथ में, अभी भी 2 बार फ़ायदा उठा पाएंगे, लेकिन ट्रांजेक्शन वैल्यू 1,000 हो गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। पहले बिग बास्केट पे मिनिमम 2,000 रुपये के परचेज पे आपको 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता था, लेकिन अब आपको मिनिमम 3,000 रुपये की ऑर्डर वैल्यू करनी होगी बिग बास्केट से, तब आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर पहले भी एक ही बार अप्लीकेबल था, इस अपडेट के बाद भी मंथ में एक बार ही आप ले पाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी ऑर्डर वैल्यू इन्होंने बढ़ा दी है। तो काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस एक्सिस सेलेक्ट कार्ड पे इन्होंने किए हैं। अब दोस्तों, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं। जो बेनिफिट्स मिलते हैं इस कार्ड पे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अनलिमिटेड कैशबैक ऑन ऑल एलिजिबल स्पेंड्स अदर देन ट्रांजेक्शन ऑन गूगल पे और प्रेफर्ड पार्टनर्स हैज बीन रिवाइज फ्रॉम 2% टू 1.5%। पहले गूगल पे को छोड़ के आप कहीं भी एक्सिस बैंक के इस कार्ड से ट्रांजेक्शन करते थे तो आपको 2% का कैशबैक मिलता था, लेकिन इस अपडेट के बाद अब आपको केवल 1.5% का कैशबैक मिलेगा। गूगल पे को छोड़ के अगर आप कहीं से भी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करेंगे एक्सिस इस क्रेडिट कार्ड से, तब आपको कुछ भी कैशबैक नहीं मिलेगा, यानी 0 कैशबैक मिलेगा। साथ ही सेम एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस वाली क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे भी लगाई है, 50,000 रुपये स्पेंड करने होंगे एक क्वार्टर में, तब आप नेक्स्ट क्वार्टर में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का मजा ले पाएंगे। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पे भी चेंजेस आए हैं। बेनिफिट्स आप यहाँ देख सकते हैं, जो चेंजेस आए हैं उसके मुताबिक पहले 1 महीने में आप एयरटेल थैंक्स ऐप से DTH बिल पेमेंट्स वगैरह करके मैक्सिमम 300 रुपये का कैशबैक ले सकते थे, लेकिन अब आप केवल 250 रुपये का ही कैशबैक ले पाएंगे 20 अप्रैल 2024 के बाद से। यूटिलिटी स्पेंड्स पे अगर आप कुछ भी स्पेंड करते हैं एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को छोड़ के और कहीं पर भी, तो आपको कुछ भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस वाला क्राइटेरिया यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। अगर आप एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी चेंजेस आए हैं। फ्रीचार्ज प्लेटफॉर्म को छोड़ के अगर आप कहीं से भी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं तो अब आपको इस कार्ड पे किसी तरह का कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस हैं जो कि इन सारे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड्स पे हुए हैं, लेकिन और भी कई सारे क्रेडिट कार्ड है जो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, सभी की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आज ही अप्लाई कर लीजिए। तो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे इतने बड़े डिवेल्यूएशन के बारे में आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आ सके तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।